जी बोले ठीक है मैं तेरे पीछे बैठा रहूंगा, जब प्रभु आएंगे ना मैं इशारा करूंगा दर्शन करना। बस उनकी इशारा से उन्होंने उनका दर्शन किया है, है? इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए, बोले हनुमान जैसे कथा सुननी चाहिए, हनुमान जैसे कथा सुननी चाहिए। कथा से पहले जाएंगे और कथा जब विश्राम हो जाएगा फिर सबको प्रणाम करते हुए प्रसाद लेकर के जानी चाहिए। अगर ऐसे कोई साध्वी ये कथा सुने ना, आप देखना आप ये भागवत से जो कुछ प्रार्थना करोगे, ये भागवत कहता है जो निर्धन है उसको धन देता है, जो संतान ही उन्हें संतान देता है, जो रोगी उसको निरोग करता है, जो कामी उसको कामना पूरा करता है, जो निष्काम उसको निष्काम, और जो भगवत प्रेम को चाहने वाले उसको भगवत प्रेम प्रदान करता है। इसलिए बोले अकाम सर्व काम बक्ष काम उदार धी तिप्रेण भक्ति जोगेना जजेत पुरुषम पर। ये भागवत सब चीज को, ये भागवत देने वाले सारे चीज को देने वाले, लेकिन इसको नियम करके कथा को हमें 7 दिन तक सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मतलब निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बोले भागवत किया है, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, और एक तो पका हुआ फल है फिर सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, उसमें फिर सुख पखी ने उसको चोच मारे। इसलिए कि कहावत है इसमें कि कहा इसमें तो 3-4 तरह का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती 3-4 तरह का मीनिंग किया है। पहला मीनिंग है बोले ये कथा सुखदेव गोस्वामी से क्यों सुने, बोले कारण है ये जो फल है ये गुरुमुखी विद्या है। सबसे पहले ये फल को कृष्ण खाए और उसमें कृष्ण का अधरावृता आ गया, फिर दिया ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा खाए उनकी भी अधरावृता आ गई, उसको बाद में दिया नारद जी को, फिर नारद जी की अधरावृता आई, उसको बाद में दिया व्यास देव को उनकी अधरावृता आई, और लास्ट में किसने पाए, बोले सुखदेव गोस्वामी, और उसमें भी उनकी भी अधरावृता आई। इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, कर जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखार बिंद से कथा निकली कर उसमें और भी आनंद आ गया, उसमें और भी ज्यादा रस आ गया। बोले क्यों रस आ गया, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, बोले ये जो सुख है जो तोता है श्री राधा रानी की, ये तोता है जिनको राधा रानी कभी कभी चुंबन करती थी और राधा वो निकलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं पीवतम रसमालयम, बोले भैया कब तक पिएंगे, बोले पी पी करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक पियो, बोले उठो बोले फेर पियो, बोले छोड़ना नहीं। इसलिए रस मुहो रहो, कहते भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती, क्योंकि बहुत सारी छेद है हमारे अंदर में कहां, जैसे यहाँ प्रमाण देखो, जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी के अंदर में कामना वासना है, काम क्रोध लोभ मोह सभी के अंदर में, लेकिन आपका कोई काम सता रहे हैं ना, अभी हमें कोई लोभ सता रहा है ना अभी कभी हमें मोह सता रहा है, कुछ सता रहे हैं आपको, कुछ नहीं सता रहे। बोले क्यों, बोले भगवान की कथा रूपी नदी में हम गोता लगा रहे हैं, लेकिन केवल ये गेट से बाहर तीसरा जो श्लोक है ना कभी ये आशीर्वाद, और जो तीसरा श्लोक